जय हिमालय, जय भारत। मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश लखेड़ा इस बार नई कड़ी के साथ हिमालय लोक चैनल में आपके सामने उपस्थित हूँ। जब तक मैं कहानी को आगे बढ़ाऊं, तब तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। दोस्तों, इस बार मैं कुमाऊं रेजिमेंट को लेकर जानकारी आपको दे रहा हूँ। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के बीरों से गठित कुमाऊं रेजिमेंट को पहला परमवीर चक्र जीतने का गौरव प्राप्त है। इस रेजिमेंट ने भारतीय सेना को 3 सेनाध्यक्ष भी दिए हैं। चीन व पाकिस्तान को विभिन्न मोर्चों पर करारी शिकस्त देने वाली कुमाऊं रेजिमेंट ने ही सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा कर पाकिस्तानियों को वहां से मार भगाया था। गौरवशाली सैन्य परंपरा, पराक्रम व भारत माता के लिए मर मिटने का जज्बा इस रेजिमेंट के जवानों में कूट कूट कर भरा है। कुमाऊं रेजिमेंट भारतीय सेना की पुरानी रेजिमेंट में से एक है। कुमाऊनी योद्धाओं की इस रेजिमेंट की गाथा उत्तराखंड से हजारों मील दूर दक्षिण में हैदराबाद में 1788 से शुरू हुई। कहा जाता है कि तब हैदराबाद के निजाम नवाब सलावत खान ने अपनी रेजिमेंट खड़ी की थी। कुमाऊं रेजिमेंट को बनाने का श्रेय एक ब्रिटिश निवासी सर हेनरी रसेल को दिया जाता है। निजाम की इस पलटन को 1794 में रेमंड कोर व बाद में निजाम कॉन्टिजेंट नाम दिया गया। इसमें ब्रार इन्फेंट्री, निजाम आर्मी व रसेल ब्रिगेड को मिलाकर हैदराबाद कॉन्टिजेंट बनाई गई थी। 1903 में इस फोर्स का भारतीय सेना में विलय कर दिया गया और यह भारतीय सेना का अभिन्न हिस्सा बन गई। 1922 में इसका पुनर्गठन किया गया और इसे फिर हैदराबाद रेजिमेंट कहा गया। इसके बाद 27 अक्टूबर 1945 को इसी रेजिमेंट का नाम पूरी तरह से बदलकर कुमाऊं रेजिमेंट। इस रेजिमेंट का मुख्यालय रानीखेत में है। अंग्रेजों ने इस क्षेत्र को 1869 में अपने आरामगाह के लिए खरीदा था, लेकिन बाद में इसे अपनी छावनी बना दिया और अंततः इसे कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय बनाया गया। दरअसल 3 मई 1815 को गोरखाओं की पराजय के बाद कुमाऊं और ब्रिटिश गढ़वाल अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गए थे। अल्मोड़ा पर विजय प्राप्त के बाद 1839 तक अंग्रेजी सेना के सैनिक और अधिकारी हबलबाग में रहते थे। बाद में सेना के कार्यालयों को अल्मोड़ा स्थानांतरित कर दिया गया और सेना को लोहाघाट और पिथौरागढ़ में तैनात कर दिया गया था। इसी सेना को कुमाऊं बटालियन कहा जाने लगा। 1846 में इस सेना को फिर अल्मोड़ा के लाल मांडी किले में स्थानांतरित कर दिया गया और यह सेना तब तक वहां रही जब तक रानीखेत छावनी नहीं बन गई और बाद में कुमाऊं रेजिमेंट का जब नया स्वरूप सामने आ गया था तो रानीखेत को इस रेजिमेंट का मुख्यालय बना दिया गया। यह भी कहा जाता है कि हैदराबाद निजाम के दरबार में रेमोंड नामक फ्रांसीसी अधिकारी ने 1797 में फर्स्ट बराड इन्फेंट्री का गठन किया था। आज उसे 2 कुमाऊं बराड के नाम से जाना जाता है। 1917 में कर्नल लॉन्गर ने पहली कुमाऊं राइफल की स्थापना की थी। इसे अब रेजिमेंट में 3 कुमाऊं राइफल के नाम से जाना जाता है। स्वाधीनता के बाद सिंधिया रियासत की 4 ग्वालियर इन्फेंट्री को 14 कुमाऊं के तौर पर इस रेजिमेंट में शामिल किया गया, जिसे बाद में 5 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री नाम दिया गया और इसी तरह बाद में 27 अक्टूबर 1945 को इसे कुमाऊं रेजिमेंट नाम दे दिया गया। इस तरह कुमाऊं रेजिमेंट अस्तित्व में आई थी। इस रेजिमेंट में कुमाऊं के अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि क्षेत्रों के युवकों को भी भर्ती किया जाता है, जिनमें अहीर यानी यादव प्रमुख रहते हैं। इसलिए इस रेजिमेंट को कई बार
कुमायूं अहीर रेजिमेंट भी कह लिया जाता है। 1970 में रानीखेत में नगा रेजिमेंट को कुमाऊं रेजिमेंट में ही खड़ा किया और यह इसकी बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। इससे कुमाऊं रेजिमेंट ने नगा वासियों का भी दिल जीता था। इसके साथ नगा रेजिमेंट होने से इसे कुमाऊं नगा रेजिमेंट भी कह दिया जाता है। इस रेजिमेंट में 71% कुमाऊं के नौजवान होते हैं जबकि बाकी 29% अन्य होते हैं। कुमाऊं रेजिमेंट का आदर्श वाक्य पराक्रमो विजयते यानी बहादुरी की विजय होती है। इस रेजिमेंट के 4 युद्ध घोष हैं, कालिंका माता की जय, बजरंग बली की जय, दादा कृष्ण की जय और जय दुर्गे नगा। इसी तरह कुमाऊं रेजिमेंट के आधिकारिक चिन्ह जो है वो शेर है, उस पर बना हुआ है। शेर को जंगल का राजा और सबसे निडर जानवर माना जाता है और कुमाऊं रेजिमेंट की बहादुरी और शौर्य को यह दर्शाता है। कुमाऊं रेजिमेंट ने भारतीय सेना को 3 जनरल सेनाध्यक्ष दिए। कुमाऊं रेजिमेंट से जुड़े जनरल एसएम श्री नगेश, जनरल केएस थिमैया व जनरल टीएस सेना भारतीय सेना के प्रमुख बने थे। इसके साथ ही इस रेजिमेंट को वीरता के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र समेत कई पुरस्कार मिल चुके हैं। पहला परमवीर चक्र कुमाऊं रेजिमेंट के मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था। जम्मू कश्मीर के बड़गांव में पाकिस्तानी सैनिकों से लड़ते हुए वे शहीद हो गए थे। इसी तरह चीन के साथ 1962 के युद्ध में इसी रेजिमेंट के मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 13 कुमाऊं रेजिमेंट की 40 कंपनी ने चीनियों के दांत खट्टे कर दिए थे। उस युद्ध में लद्दाख के चुशूल सेक्टर में इस पलटन ने 120 सैनिकों के साथ चीन के लगभग 1500 सैनिकों से लोहा लिया और मेजर शैतान सिंह ने अपने प्राणों की आहुति देकर लद्दाख को चीन के कब्जे से जाने से बचा दिया था। इस तरह इस रेजिमेंट को 2 परमवीर चक्र मिल चुके हैं और पहला परमवीर चक्र प्राप्त करने का श्रेय इसी रेजिमेंट को जाता है। इसी तरह कुमाऊं रेजिमेंट ने ही 13 अप्रैल 1984 को पाकिस्तानी सेना को खदेड़ कर कश्मीर के सियाचिन की बर्फीली चोटियों पर तिरंगा फहराया था। ऑपरेशन मेघदूत के नाम से इस सैन्य अभियान में भारतीय सेना ने सियाचिन में विजय की ऐतिहासिक गाथा लिखी थी और पाकिस्तानियों को वहां से खदेड़ दिया था। कुमाऊं रेजिमेंट ने स्वतंत्रता से पहले भी मराठा युद्ध 1803, पिंडारी युद्ध 1817, भीलों के युद्ध विरुद्ध जो युद्ध था वो 1841, अरब युद्ध 1853, रोहिला युद्ध 1854 समेत कई युद्धों में महत्वपूर्ण तथा गौरवपूर्ण कर्तव्यों का निर्वहन किया। प्रथम विश्व युद्ध में भी कुमाऊं रेजिमेंट ने फ्रांस, टर्की, फिलिस्तीन, पूर्वी अफ्रीका व अफगानिस्तान में ख्याति प्राप्त की। द्वितीय विश्व युद्ध में भी इस रेजिमेंट ने मलाया, वर्मा व उत्तरी अफ्रीका में पराक्रम का लोहा मनवाया था। इसके अलावा 1962, 1965 और 1971 के युद्धों में सहित सभी युद्ध ऑपरेशनों में कुमाऊं रेजिमेंट ने अग्रणी मोर्चों पर रहकर देश की सीमाओं की रक्षा की। तो दोस्तों, यह थी कुमाऊं के योद्धाओं की यश गाथा। आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। मैं आपको हिमालयी क्षेत्र के योद्धाओं से बनी अन्य रेजिमेंट्स के बारे में भी जानकारी देता रहूंगा। इस चैनल को लाइक को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिमालय।